प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जातक की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप इनकी जन्म की डिटेल्स देख ही पा रहे हैं। इनके जन्म की डिटेल्स के अनुसार जब आप इनकी कुंडली का निर्माण करेंगे तो इनकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और इनकी राशि बनती है कर्क राशि। देखा जाए तो तुला लग्न कर्क राशि दोनों ही शुभ ग्रह के प्रभाव में आती है। शुभ ग्रह का प्रभाव जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छा रहता है, व्यक्ति को अच्छे स्वभाव वाला बनाता है और अच्छे कार्यों में जोड़ कर रखता है। अच्छे कार्य से मतलब यही है कि वो दूसरों की सहायता करने वाला गुण भी रहता है, सभी के लिए अच्छा सोचने वाला स्वभाव भी रहता है, कि ये भी कोशिश रहती है कि किसी का बुरा ना हो, किसी का अहित स्वयं के द्वारा ना हो, ये स्वभाव भी रहता है। एक बात जरूर है कि तुला लग्न जो आप देख रहे हैं ये वायु तत्व का लग्न होता है। अब वायु तत्व का ये लग्न है, आप राशि जानते हैं, ये जो कर्क राशि है ये कर्क राशि जल तत्व की राशि होती है। इस कारण से आप ये देख पाएंगे कि दोनों की स्थिति आपको प्रॉब्लम में डालती है, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपके मन को चिंतित करती है, मन में ही समस्या चलती है। यहाँ सामने कोई बड़ी परेशानी होती नहीं, लेकिन मन में अधिक सोचना, कल्पना करना, चिंता करना, उस तरह की बातें ज्यादा होती है और ये दोनों स्थितियां व्यक्ति को बेचैन करने का काम कर देती है। यहाँ पर यही मैं बोल सकता हूँ कि व्यक्ति को बस ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। अदरवाइज प्रभाव कुंडली का ये जो दोनों राशियां है ये अच्छी है, आगे बढ़ाने के अच्छे अवसर भी देती है और जीवन काल में सकारात्मक परिणाम देने का काम करती है। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर, जो व्यक्ति को अच्छा परिणाम जरूर प्रदान करेंगी। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आप एक बार देखिए, लग्न का जो स्वामी है शुक्र कुंडली के दूसरे भाव में है। सबसे पहले हम लग्न की बात करते हैं, तुला लग्न। तुला लग्न अगर आप देखेंगे तो लग्न में इसे अच्छा माना गया है, क्योंकि ये हर परिस्थिति को बैलेंस करने वाला लग्न है। हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना, अपने अनुसार सभी के अनुसार मतलब अपने आप को बना लेना, उस तरह की स्थिति है। जहां जाएंगे वैसा ही स्वरूप, वैसा ही भेष बनाना, ये तुला लग्न के स्वभाव में आता है। नेता अभिनेता जैसा गुण इस लग्न के अंदर कहे जाते हैं। इस लग्न में अगर किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो पहला काम उस व्यक्ति को ये कहा जाएगा कि पूर्व जीवन में आप बहुत अधिक अपने बारे में सोचते थे, अपने लिए काम करते थे या अपने लिए जीते थे। अब आपको चाहिए कि आप लोगों के लिए जिए। आपको अपने लिए सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये सोचकर काम करें कि दूसरों के लिए मुझे करना है, या आप ये कोशिश करिए कि दूसरों के लिए जितना अच्छा हो सके आप काम करने का प्रयास कीजिए। तुला लग्न में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका पहला काम है कि अन्य की जिम्मेदारियों को उठाए, अन्य के लिए काम करें। वैसा आप करने लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो इस लग्न में जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य होता है वो पूरा होता है। ये लग्न बैलेंस बनाने के लिए, समाज में जो भी एक अव्यवस्था है, अस्थिरता है, उसको सही करने के लिए इस लग्न में जन्म होता है, ताकि आप हर चीज को बैलेंस करके सभी को साथ लेकर चल सके। और तुला में स्वभाव भी ये होता है कि सभी को साथ लेकर चलने वाला गुण होता है। यहाँ ये है कि लग्न का स्वामी दूसरे भाव में है। दूसरा भाव हमारे कुटुंब का होता है, घर परिवार का होता है, इसलिए कुटुंब के लिए सोचना, कुटुंब के लिए कार्य करना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में जरूर आ सकता है, या ऐसा व्यक्ति उनसे जुड़े रहना चाहे, उनके लिए अच्छे काम करना चाहे, ये बात भी देखी जा सकती है। यहाँ पर यह भी है कि कुंडली में मंगल भी कुंडली के दूसरे भाव में अपनी राशि में विराजित है। कुंडली में लग्नेश का दूसरे भाव में होना और दूसरे भाव के स्वामी के साथ में होना महाधनी योग का निर्माण करता है, धन के लिए अच्छा होता है। लग्नेश दूसरे भाव में मिला है, इसका मतलब ये भी है कि आपको इस जीवन में अपने कुटुंब के लिए, कुटुंबी जनों के लिए बहुत कुछ कार्य करना है। आप उनके लिए अच्छा करते जाएंगे, आपके जीवन में अच्छा होते जाएगा, क्योंकि लग्नेश अच्छा होगा, वो जहाँ बैठा है वो भाव अच्छा होगा, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा उससे। और इसीलिए शुक्र मंगल यहाँ पर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में है, ये एक प्रकार से धन के लिए, सुखों के लिए अच्छा योग है। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा है शुक्र मंगल के कारण, कि शुक्र मंगल के योग से आपको जीवन काल में एक अच्छी मात्रा में तरक्की तो मिल जाएगी। तरक्की से मेरा मतलब है धन मिल जाएगा, सुख सुविधा मिल जाएंगी, ये आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जोड़कर रखेगा। जिनकी कुंडली में शुक्र मंगल होता है, केवल ये ना समझे कि ऐसे व्यक्ति केवल कामुक है, ये केवल और केवल मतलब भोग विलास की ओर ध्यान देते हैं या फिर शारीरिक सुख की ओर ध्यान देते हैं, वैसी बातें नहीं है। शुक्र मंगल के प्रभाव में ये भी देखने को मिला है कि ये शुक्र मंगल ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, इससे शुक्र की ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि शुक्र जो है वो देखा जाए तो शुक्र भोग विलास का, काम वासना का, इस तरह की चीज़ों का प्रमुख कारक हो जाता है। अब मंगल जो है ऊर्जा का कारक है, मंगल शुक्र की ऊर्जा को बढ़ाता है, इसलिए ये चीज़ें बढ़ जाती है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि शुक्र जो ग्रह है, ये ग्रह दैत्यों के गुरु है। दैत्य के गुरु शुक्राचार्य को माना गया है, शुक्र को माना गया है। इसीलिए शुक्र का जो प्रभाव होता है वो ये भी होता है
कि ऐसे व्यक्ति के अंदर जो जितने शास्त्र आदि है उनके उनको सीखना, विशेषकर रहस्यमयी चीजें, वो फिर ज्योतिष से जुड़ी हुई हो या फिर वो हस्तरेखा से जुड़ी हुई हो, ओकल्ट साइंस से कुछ जुड़ी हुई विषय हो, उसमें ऐसे व्यक्ति की रुचि रहती है और शुक्र मंगल के चलते ऐसा व्यक्ति उनको स्वयं पढ़ना सीखना या उन पर ध्यान देना व्यक्ति को जल्दी समझ आता है। विशेषकर हस्तरेखा में शुक्र मंगल का प्रभाव व्यक्ति को जल्दी समझ आता है कि आखिर क्या स्थिति है, कैसे है, वो प्रभाव ये शुक्र मंगल दर्शाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है यहाँ पर कि शुक्र मंगल की स्थिति इस बात को एक दर्शाती है, अच्छा प्रभाव दर्शाती है। हाँ, थोड़ा भटकाव देती है। अब वैसे तो इस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन अगर कोई ग्रह की दृष्टि होती तो थोड़ा और अधिक नकारात्मक प्रभाव होता, लेकिन दृष्टि नहीं है तो ये कहा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में ये मतलब प्रभाव ठीक ही देगा। हाँ, व्यक्ति को अपने हिसाब से काम करना, अपनी इच्छा से विवाह करना, उस तरह की बातें प्रदान कर सकता है जो आज के समय पर उतना खराब है भी नहीं। हाँ, ये यात्राएं लंबी करवा सकता है, लंबी दूरी की यात्रा, हवाई यात्रा ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा होती है, ये देखा गया है, तो ये बात यहाँ देखी जा सकती है। इसके अलावा इस कुंडली में गुरु, देखिए तीसरे भाव के और कुंडली के छठे भाव के स्वामी जो है गुरु है, और गुरु यहाँ पर कुंडली के चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में गुरु है, तीसरे के स्वामी जब चतुर्थ में होते हैं तो जन्म स्थान से दूर ले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर रहना भी चाहिए, जन्म स्थान से दूर रहकर ऐसा व्यक्ति सफलता अच्छी अर्जित कर पाता है। गुरु चतुर्थ भाव में हो तो वैसे ये भले नीच राशि में नजर आते हो, लेकिन इसका नीचे तो भंग चंद्रमा से भी हो रहा है, शनि से परिवर्तन से भी हो रहा है। और चतुर्थ के गुरु के बारे में मैंने आपको कहा था कि ऐसे व्यक्ति का जन्म अपने घर परिवार में जहाँ पर इस जन्म में हुआ है, इस जन्म में जिस कुटुंब में जन्म हुआ है उसी स्थान पर पहले पूर्व जन्म भी यहीं पर बीता है ऐसा समझना चाहिए। अपनी कुछ इच्छाएं, अपने कुछ कार्य है जिनको पूरा करने से व्यक्ति ने जन्म लिया है, ये कहा जा सकता है। या ये बोल सकता हूँ कि पूर्व जन्म ने अपने लिए अधिक सोचा था, अब घर परिवार के लोगों के लिए सोचकर उनके लिए कुछ करने ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है। तो ये प्रभाव ये गुरु दर्शाता है। इस गुरु के चलते व्यक्ति के अंदर धार्मिक गुण होते हैं, अन्य को सही सलाह देने के गुण होते हैं, व्यक्ति अच्छा सलाहकार बन जाता है ऐसे में, और जहां भी होता अपने ज्ञान से दूसरों को प्रभावित करता है। तो ये बात बहुत बढ़िया है, व्यक्ति को अच्छे गुणों वाला ये गुरु बनाता है जो कि एक अच्छी स्थिति दर्शा रहा है। फिर चतुर्थ में आप जानते हैं ये गुरु अच्छा रहता है, व्यक्ति को हर परेशानी से बचाता है, ये अच्छी बात है। अच्छे लोग जुड़ते हैं व्यक्ति के साथ, अच्छे गुरु, अच्छे लोग जो व्यक्ति को सही मार्ग दिखाते रहते हैं, तो ये अच्छी बात है। और चंद्रमा और गुरु आमने सामने होने से ये जो गज केसरी योग का प्रभाव है वो भी मिलेगा, जो कि अच्छी बात है, करियर के लिए, सुखों के लिए व्यक्ति को अच्छा परिणाम देने का काम करेगा। फिर पंचम में केतु विराजित है। पंचम में केतु के चलते कई बार या तो शिक्षा में ब्रेक आना या फिर शिक्षा से अलग फील्ड में काम करना या कहीं दूर स्थान पर चले जाना शिक्षा के लिए, ऐसी कुछ बातें आ सकती है। थोड़ा मतलब शिक्षा को लेकर के चिंता रह सकती है। पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी है, केतु यहाँ पर आने पर उनसे दूर करना, उनसे अलग करना, काटना, इस तरह का प्रभाव देता है। काटने से मेरा मतलब ये है कि केतु का एक काम होता है कि वो आपको जोड़ तो देता है लेकिन वो जल्दी दूर भी कर देता है, या कई बार मुंह पर बोलने वाला स्वभाव देता है जिस कारण से अन्य से तालमेल कमजोर हो सकते हैं। लेकिन तुला लग्न है तो परिस्थिति को बैलेंस करना जानते हैं, इस कारण से ये केतु का प्रभाव उतना नकारात्मक होगा नहीं, बल्कि ये केतु अच्छे अधिक लोगों से जोड़ने का काम करते, ऐसी बातें भी देखी जा सकती है। तो ये कोई खराब नहीं है। और ऊपर से फिर शनि जो है इस कुंडली में वो कुंडली के छठे भाव में है, तो चतुर्थ का स्वामी छठे में आता है तो ये जरूर है कि घर बनाने में रुकावटों का सामना करना पड़ता है, घर लेने में बनाने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन लोन लेकर के घर बन जाता है, परिवर्तन यहाँ पर कर्ज लेकर के घर बनता है या अपने मतलब किसी से सहायता के साथ में घर बनता है, इसी बात बोल सकते हैं। यहाँ पंचम का स्वामी छठे में है, संतान होने में रुकावट, देरी आदि हो सकती है, लेकिन एक बात है कि पंचम का स्वामी छठे में है तो ये कोई भी कंपटीशन आदि को निकालने के लिए या कोई भी मतलब एग्जाम आदि को निकालने के लिए ठीक रहता है। शनि वक्री भी है, वक्री शनि तेजी से काम करना, जल्दीबाजी में काम करने का स्वभाव दे सकता है, अपने अनुसार काम करने का स्वभाव अधिक रहे, ऐसी बातें देखने को मिल सकती है। वक्री शनि के चलते कार्य में यात्राएं अधिक हो, घूमना फिरना पड़े, ऐसी बातें भी देखी जा सकती है। तो ये बात थोड़ी यहाँ पर आती है, लेकिन ये कहा जाएगा कि ये जो इसका प्रभाव है शनि का ये कोई विशेष खराब नहीं है, ये यहाँ पर छठे भाव में कारक होता है, बल्कि सबसे अच्छा प्रभाव शनि छठे में देता है तो ये अच्छी बात है, रोग से परेशानियों से रक्षा भी करता है, तो ये ठीक है यहाँ पर। और आपको व्यक्ति को अच्छा प्रभाव देने का काम भी करता है, अच्छे लोगों से जोड़ता है। फिर अगर आप देखेंगे सप्तम का स्वामी, सप्तम का स्वामी यहाँ पर मंगल है, मंगल दूसरे भाव का भी स्वामी है, दूसरे भाव का स्वामी होकर दूसरे में है तो ये तो अच्छी बात है कि चलो वो धन को बचाना, सही प्रकार से मैनेज करना, सही प्रकार से उपयोग करना वो भी देगा। दूसरे का मंगल जिम्मेदारी उठाने वाला स्वभाव देता है, घर में छोटा होने के बाद भी आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाना या बड़ों के समान काम करना, उस तरह का प्रभाव मंगल देता है। और सप्तम का स्वामी होकर अपनी ही राशि में है तो उतना खराब नहीं है, बल्कि ये कहा जाएगा कि ये व्यक्ति को
जीवन काल में अच्छी जीवन संगिनी और जिससे मतलब विवाह के बाद उन्नति हो, तरक्की मिले, इस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। जीवन साथी भी एक कम से कम समान अवस्था की, समान अवस्था से मेरा मतलब ये है कि मतलब दिखने में सुंदर और अच्छा सपोर्ट करने वाली मिलती है, जो कि अच्छा प्रभाव देखने को मिला उससे। शुक्र मंगल यूं भी साथ में होने पर विवाह के बाद तरक्की मिलती है, पत्नी के आने के बाद लाभ होता है, या ये बोल सकते हैं कि जमीन से लाभ होता है ऐसे व्यक्ति को, मंगल से जुड़ी वस्तुओं से लाभ होता है, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, वाहन चलाना आदि से जुड़े जो काम होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि मंगल है तो फूड से, रेस्टोरेंट से, होटल से व्यक्ति को लाभ हो सकता है, ऐसी बातें कही जा सकती है। इन कार्यों से व्यक्ति जुड़ता भी कई बार और इनसे लाभ भी होता है ये देखने को मिला है, तो ये अच्छी बात है यहाँ व्यक्ति के लिए, खराब बात नहीं है। व्यक्ति को चाहिए शुक्र मंगल का और अधिक अच्छा प्रभाव लेने के लिए कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, या फिर मैं कहूँ कि व्यक्ति अपनी तरफ से मतलब कोई कोई स्पोर्ट्स में रुचि हो तो स्पोर्ट्स खेला करे या जिम वगैरह जाया करे, तो उसे शुक्र मंगल का प्रभाव बैलेंस होगा और ये देखने को मिलेगा कि ये ग्रह धन भी देंगे और ये अपने जीवन में आगे तरक्की के लिए प्रभाव अच्छा देंगे, और ये कहा जाता है विवाह के लिए प्रभाव अच्छा प्रदान करेंगे। अपनी इच्छा से विवाह के योग बन जाते हैं कई बार लग्नेश और सप्तमेश के साथ में होने पर भी, तो अगर वैसा प्रभाव भी बनता है तो कोई खराबी की बात नहीं है, स्थिति अनुकूल मिलेंगी, स्थिति में कोई खराबी यहाँ पर नहीं आएगी, तो ये एक प्रभाव अच्छा है, यहाँ पर कोई इतनी दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आती है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो कुंडली के नवम भाव और कुंडली के 12वें भाव के स्वामी बुध होते हैं। 12वें के स्वामी का लग्न में होना, नवम के स्वामी का लग्न में होना, कई बार ये भी दूर स्थान से जोड़ने के प्रभाव को दर्शाता है। कई बार ऐसा व्यक्ति विदेश से जुड़कर काम करता है, विदेश में जाकर काम करता है, अच्छा लाभ मिलता है उससे भी, या जन्म स्थान से भी अधिक दूरी पर रहा जाए, भले वो देश में ही रहा जाए लेकिन अधिक दूरी पर रहा जाए तो प्रभाव अच्छा रहता है। ये लंबी दूरी की यात्रा का भाव होता है नवम भाव, तो ये लंबी दूरी की यात्रा करवाता है बुध यहाँ पर लग्न में होकर के, जो अच्छा है व्यक्ति के लिए, खराब प्रभाव नहीं दर्शा रहा है, तो इसे अच्छा कहा जाएगा। यहाँ पर ये बात देखी जाएंगी कि बुध इनको भाग्यशाली बनाएगा, बुध का प्रभाव कमजोरी नहीं देगा, अंशात्मक स्थिति भी ठीक है, तो सूर्य से अस्त होने पर भी उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलेगा, प्रभाव अच्छा ही मिलेगा, तो भाग्य आदि के दृष्टिकोण से स्थिति बढ़िया रहेगी। बुध जब भी नवम का स्वामी लग्न में मिला है, मतलब ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। पंचम का केतु भी यही दर्शाता है कि व्यक्ति अच्छे कर्मों करके आया है, व्यक्ति की इच्छाएं तो थी लेकिन वो सबको अब धीरे धीरे करके त्याग रहा है, ऐसी बातें कई बार सामने आती है। हालांकि लग्न तुला मिला है तो इसका मतलब यही है कि उन इच्छाओं को पूरा करने का प्रभाव इस जीवन में मिलेगा, व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएगा इस जीवन में, ऐसा कहा जा सकता है। तो और यहाँ ऊपर से ये भी नहीं कि लाभ भाव का स्वामी, मैंने आपको पूर्व वीडियो में कहा था लाभ भाव का स्वामी भी ये दर्शाता है कि कौन सी इच्छा थी जो आप पूरा उसे नहीं कर पाए। तो देखिए तुला राशि में लग्न में सूर्य जो बैठा है वो दर्शा रहा है कि आपकी जो इच्छा थी वो स्वयं से जुड़ी भी थी, यानी स्वयं को सुख सुविधा मिलना या स्वयं को लग्जरी मिलना वो भी थी, और तुला राशि है तो मतलब सभी के लिए सोचने वाला स्वभाव भी था। तुला राशि की जो इच्छाएं होती है कि जीवन साथी अच्छा मिले, एक अच्छा सपोर्ट मिले, एक अपने से विपरीत से अच्छा तरीके से जुड़ाव रहे, जो सुख है वो मिले, तो वो वाला प्रभाव यहाँ पर इस जीवन में व्यक्ति प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा, और वो मतलब व्यक्ति को मिलेगा भी अच्छी स्थिति में, ये कहा जा सकता है। तो ये प्रभाव मतलब यहाँ पर अच्छा ही आ रहा है, कुंडली में कोई विशेष कमजोरी नहीं है, कुंडली में प्रभाव अच्छा है, मजबूती अच्छी है और योग भी अच्छे बने हुए, ऐसा कहा जा सकता है। अब अगर हम इस कुंडली में अगर देखें तो मतलब ग्रहों का प्रभाव अच्छा है, धन के लिए, सुखों के लिए प्रभाव अच्छा नजर आता है, पूर्व जीवन के अच्छे कर्मों को ग्रहवासा दर्शा रही है। दशम में चंद्रमा दशम का स्वामी है, दशम में अकेला बैठा हुआ है, गुरु की दृष्टि है, शुभ ग्रह का प्रभाव आ रहा है, तो ये अच्छी बात है व्यक्ति के लिए, ये व्यक्ति को अच्छा परिणाम देने जैसी स्थिति है, और ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को अच्छा ही सकारात्मक ही परिणाम देगा। दशम भाव में शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, ये नृप योग के समान ही प्रभाव देता है एक प्रकार से, व्यक्ति ईमानदारी से और अच्छे तरीके से काम करता है जो अच्छा परिणाम व्यक्ति को मिल जाता है इससे। और अगर आप देखेंगे इस कुंडली के अंदर तो ये बात है यहाँ पर कि ये चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है तो प्रभाव अच्छा है। गुरु देखो तीसरे का स्वामी है, यानी जन्म स्थान से दूर जुड़ करके कार्य होगा, व्यापार होगा, करियर होगा, ऐसी बातें कही जा सकती है। वैसे तो नौकरी करना वो भी प्रभाव ठीक है, आगे चलकर व्यापार पर विचार कर सकते हैं, लेकिन जन्म स्थान से दूर अगर विदेश में हो तो बहुत बढ़िया, वो सबसे बढ़िया रहेगा। यहाँ पर अगर हम पहले विवाह की बात करें, देखिए सप्तम का स्वामी मंगल है, मंगल अपनी ही राशि में है तो विवाह के लिए ठीक प्रभाव दे रहा है। मंगल वैसे तो सबसे पहला प्रभाव 28 वर्ष के तकरीबन आयु में बना देता है विवाह के लिए। वैसे अभी पिछला जो प्रभाव यहाँ गुरु का बीता था उस समय दशा नहीं थी, अभी अगर आप देखेंगे तो मतलब यहाँ पर प्रमुख जो स्थिति आ रही है कि गुरु का गोचर मिथुन में तो प्रभाव भी दे होगा नहीं, मेनली गुरु का प्रभाव जब कर्क राशि में चले जाए, मतलब यहीं पर आ जाए, तो इसे दो काम होंगे। एक तो ये गुरु चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेगा, वो समय थोड़ा मध्यम होता है वैसे, लेकिन यहाँ से गोचर होने पर इस गुरु को एक्टिवेशन मिलेगा, शुक्र और मंगल को एक्टिवेशन मिलेगा जो अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ेंगी यहाँ से जो कि अच्छा प्रभाव देंगी।
अब गुरु का प्रभाव देखा जाए तो दो बार इसमें यहाँ पर आने वाला है। एक बार तो अक्टूबर 25 से लेकर के दिसंबर 25 के बीच में समय ठीक रहेगा, वो भी अक्टूबर 25 से दिसंबर 25 के बीच में अगर प्रभाव मिल जाता हो। जैसे दशा की बात करें अगर हम, तो अक्टूबर 25 में जा करके दशा रहेंगी केतु की और फिर शुक्र लगेगा नवंबर में। तो जैसा मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया था, केतु और राहु ऐसे ग्रह है जो मतलब केतु तो फिर भी प्रभाव दे देता है ग्रहों का, शुक्र के आने वाले प्रभाव केतु दे देता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि अगर प्रभाव मिलता है तो इस समय अवधि पर प्रभाव बन सकता है, जो बहुत मजबूत यहाँ दर्शा भी रहा है। पहला प्रभाव जो आ रहा है कि अगले वर्ष में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में या पक्का हो जाए या फिर उसके बाद एक आध महीने विवाह हो जाए, उस तरह की बात देखी जा सकती है। यहाँ एक और बात है जिस पर विचार करना है, मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है, केतु यहाँ विराजित है। ऐसे में एक बात हो सकती है कि विवाह के पहले यहाँ पर रिश्ता पक्का होकर कैंसिल करना पड़े, या विवाह पक्का होकर कैंसिल हो जाए, या ऐसी कुछ बातें सगाई टूटने जैसा प्रभाव मतलब हो सकता है। इसलिए विचार करें, जल्दीबाजी में विवाह न करें, देखभाल करके फिर रिश्ता पक्का करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगले वर्ष एक योग बन रहा है। अगर मान लीजिए किसी भी कारण से व्यक्ति नौकरी के चलते, अन्य समस्याओं के चलते विवाह नहीं करता, इस समय अवधि पर टल जाता हो, तो आगे का जो प्रभाव बनेगा वो 2026 के मतलब जून से बन जाएगा, लेकिन ज़्यादा प्रभाव 2026 के अंत में मिल पाएगा। तो 2026 के अंत में गुरु का प्रभाव रहेगा, गुरु चंद्रमा से सप्तम भाव में विराजित है, प्रभाव ठीक दे रहा है। ऐसे में गुरु के समय पर विवाह के लिए विचार कर सकते हैं, वो समय ठीक भी रहेगा, उस समय पर परिणाम मिलने की स्थिति भी बन जाएंगी, ऐसा कहा जा सकता है। तो पहला प्रभाव तो अभी अगले वर्ष में ही बन रहा है, जो सबसे मजबूत है, सबसे अनुकूल है। और अगर इस समय नहीं भी होता तो कर्क राशि में फिर से गुरु आएंगे, जो कि जून के बाद आएंगे, 26 में आएंगे, लेकिन वो जून 26 के बाद, और उस समय फिर अंत तक दशा लग जाएगी गुरु की, वही समय सबसे अनुकूल रहेगा, सबसे ठीक रहेगा, और 26 के अंत तक जाते आते विवाह का प्रभाव ज़्यादा मजबूत बन जाएगा। क्योंकि बाकी सारी स्थिति भी यही दर्शा रही है कि प्रभाव ठीक है, नवमांश कुंडली के अंदर भी लग्न का स्वामी लाभ में है, यानी विवाह के लिए प्रभाव ठीक दे रहा है। अगर सप्तम के स्वामी की बात करें, वो दशम में जरूर है। शुक्र जब शनि की राशि में हो, शनि का प्रभाव अधिक आ रहा हो, तो ये संभव हो सकता है कि जो लड़की मिले वो उम्र में कुछ महीने ही सही लेकिन बड़ी हो। मतलब जैसे कई बार ये भी होता है ना कि अपनी इच्छा से विवाह किया तो उसमें लड़की बड़ी हो तो भी कोई इतना फर्क नहीं, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि जो लड़की मिले स्वयं की उम्र से बड़ी मिले, थोड़ी एक दो महीने का प्रभाव भी हो सकता है। अब फिर इसके बाद अगर हम देखें कौन सी राशि या लग्न हो सकता है, तो मैं लग्न में से सूर्य घटाकर राहु को जोड़ रहा हूँ, तो कन्या राशि आती है, यानी जिससे विवाह हो उसकी राशि कन्या हो सकती है, लग्न कन्या हो सकता है। जैसे यहाँ लग्न तुला है, वैसे कन्या लग्न भी हो सकता है, या राशि मीन भी हो सकती है, मीन राशि मीन लग्न, कन्या राशि कन्या लग्न, इनका प्रभाव अधिक आता है। इनसे जुड़ी राशि लग्न अगर हो तो विवाह के योग ज़्यादा बनते हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसके अलावा वैसे तुला भी हो सकती है, क्योंकि इनकी स्वयं की है, तो इनकी स्वयं की तुला या कर्क जो राशियाँ है इससे जुड़ा प्रभाव आ सकता है, तो वो भी अगर मिलता है तो कोई समस्या की बात नहीं है। बाकी अगर इसमें हम इस कुंडली के अंदर अगर हम बढ़ते हैं कि सप्तम का जो उप नक्षत्र स्वामी है कृष्णामूर्ति पद्धति के द्वारा, वो शनि है। शनि की बात करेंगे तो शनि यहाँ पर विराजित है बुध के नक्षत्र में। अब शनि और बुध दोनों की स्थिति को विचार किया जाए, देखिए शनि 12, 5, 4, 9, 11, अब पांचवा भाव जैसा मैंने आपको कई बार कहा है कि प्रेम विवाह को दर्शाता है, 12वां विदेश को दर्शाता है, तो संभव है कि वो विदेश में ही प्रेम विवाह के योग बने। 12, 10, 9 और 11, देखिए नवा भाव बहुत मजबूती से दोनों तरफ आया है। नवा भाव मैंने कहा है दूसरे विवाह का होता है। अब ऐसे में यहाँ पर ये बात जरूर आ रही है इससे भी कि रिश्ता पक्का होकर कैंसिल हो जाए और फिर उसके बाद दूसरी जगह विवाह पक्का हो, फिर वो दूसरे विवाह के तरह देखा जाए उसे, वैसी बातें होती है यहाँ पर कि एक बार रोका होकर कैंसिल होना, यानी रिश्ता पक्का होकर कैंसिल होना, वैसी बातें हो सकती है जिसका ध्यान रखना है। अगर वैसा हो भी आता है तो खराब नहीं है, दोष ही दूर होगा, लेकिन फिर भी अगर देखकर करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। और बाकी यहाँ पर कुंडली का मिलान करना जरूरी रहेगा, वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर पत्नी का स्वभाव थोड़ा गुस्सेल उग्र हो सकता है। नवमास में ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा उग्र गुस्सेल जो आ रहा है उसके प्रभाव को मिलाकर फिर विवाह के लिए आगे बढ़ा जाए तो ठीक रहेगा, या फिर अगर स्वयं की इच्छा से भी किया जाए तो उसमें कोई जो भी दोष बन रहे हो उसको दूर करके आगे विवाह किया जाए, ज़्यादा ठीक रहेगा, प्रभाव अच्छा मिल जाएगा। तो ये कुछ स्थितियाँ यहाँ पर नवमांश में। वैसे ही मेष लग्न बना है, ज़्यादा इच्छाएं होती नहीं है कि ठीक है लड़की मिल जाए, सुंदर हो, दिखने में घर परिवार ठीक हो, भाई इतना ज़्यादा विचार यहाँ पर मेष लग्न में होता नहीं है, ज़्यादा विचार करने का स्वभाव होता नहीं, ठीक है लड़की है ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं, विवाह के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो वही प्रभाव है यहाँ पर। हाँ, लग्न में तुला होने से थोड़ा सा विचार करना, बहुत ज़्यादा बातें सोचना, वो बातें आ सकती है, लेकिन प्रभाव यहाँ पर यही कह रहा है कुंडली का कि विवाह के लिए स्थिति ठीक है और आगामी समय पर प्रभाव और अच्छा बन भी रहा है। अभी आगे अगर इनके देखा जाए कि विदेश में सेटल होने के योग को, तो कुंडली में विदेश में सेटल होने का योग है। क्यों है? क्योंकि देखो सप्तम का
लग्नेश का, ये जो दोनों ग्रह है, यही दोनों ग्रह, इसमें एक ग्रह शुक्र अष्टम का स्वामी है और ये दोनों ग्रह साथ में भी है। इसका एक मतलब ये भी है कि विवाह जो हो दूर स्थान पर विदेश में हो, जैसा मैंने अभी कहा भी नवमांश अपने कृष्णमूर्ति पद्धति में भी आया कि विवाह जो हो विदेश में हो उसका योग बनता है, या विदेश में काम करने लड़की से ही हो जाए वैसा संभव है। तो वो बात यहाँ पर आ रही है, भले घर परिवार वाले रिश्ता देखे, घर परिवार वाले पक्का करे, लेकिन विवाह हो जाने के बाद विदेश में रहने का प्रभाव है और अष्टम का स्वामी यहाँ पर शुक्र ही बनता है। तुला लग्न में लग्न और अष्टम का स्वामी चूंकि शुक्र होता है, तो कई बार व्यक्ति विदेश जाए तो लंबे समय तक विदेश में रहना या वहीं पर बस जाना वैसा प्रभाव देखने को मिला है। यहाँ 12वें का स्वामी भी लग्न में ही विराजित थे और चतुर्थ भाव से तो पूरी तरह दूरी है ही, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी छठे में चले गया, तीसरे का स्वामी छठे में आ गया, तो ये दर्शा रहा है कि चतुर्थ भाव घर परिवार से जन्म स्थान से दूर रहने वाला प्रभाव रहेगा। सपोर्ट उनके लिए करेंगे, काम उनके लिए करेंगे, लेकिन दूर रहेंगे, तो वो बात है। तो यहाँ पर आगे चल करके अगर ये अपने जीवन में ये कोशिश करेंगे कि मुझे वहीं पर विदेश में ही परमानेंट सेटल होने का प्रभाव मिल जाए, उस समय पर ये हो सकते हैं केतु की दशा सबसे प्रबल रहेंगी, क्योंकि केतु पंचम में है और छठे भाव में उसका स्वामी चले गया है, तो विदेश में सेटल केतु कर सकता है, केतु का योग बहुत बढ़िया है। उसके पहले भी अगर देखेंगे तो बुध में गुरु का प्रभाव, बुध में शनि का प्रभाव दोनों अनुकूल रहेंगे, दोनों में कोई खराबी नहीं है, विदेश में सेटल हो सकते हैं उस समय पर ही। गुरु के अंदर भी कोशिश करेंगे, तीसरे का स्वामी है विदेश में सेटल कर देता है, तो ये बात देखी जा सकती है। बाकी गुरु में हो सकता है एक बार इंडिया आना पड़े विवाह के लिए और फिर विवाह करके बाहर जाए, वैसा देखने को मिल सकता है। बाकी योग जो है कुंडली में अच्छे, कुंडली में योग में खराबी नहीं है, प्रभाव अच्छा मिल रहा है, तो इसीलिए इसमें मैं यही कहूँगा कि बस अपनी ओर से इतना काम किया जाए कि अच्छा परिणाम लेने के लिए, आगे भी लगातार अच्छा परिणाम लेते रहने के लिए, एक ये कोशिश की जाए कि अपनी कुंडली में शुक्र मंगल दोनों अच्छे बैठे हुए हैं, इनका प्रभाव अच्छा मिलता रहे, उसके लिए शिव सूक्त का पाठ करते रहा जाए, ये विवाह के लिए भी ठीक रहेगा। गुरु जरूर नीच राशि में है लेकिन शिव सूक्त का पाठ किया जाए ज़्यादा ठीक रहेगा और अच्छा परिणाम इससे मिलेगा, या फिर शुक्र की कोई मंत्र का जाप भी करते रहा जाए तो ठीक ही रहेगा। रत्न आदि की कोई आवश्यकता तो है नहीं वैसे, लेकिन अगर कुछ धारण करना हो तो शुक्र का रत्न पहना जा सकता है, उसमें कोई खराबी नहीं है। हालांकि मैं विवाह के बाद पहनने की सलाह दूंगा, विवाह के पहले पहनना भटकाव की योग बनाता है, गलत संगति और गलत आदतें प्रदान करता है, तो उससे बचाव करना ठीक रहेगा। अभी के समय पर केवल और केवल एक काम किया जाए और वो एक काम यही है कि वहां पर अगर कोई धार्मिक कार्य से जुड़े रहा जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहे, कुछ ना कुछ सीखते रहे, जैसा कोई ज्योतिष या ऐसी ओकल्ट साइंस आदि जैसे विषय सीखते रहे तो उससे अच्छा प्रभाव मिलेगा और अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाएंगी। तो ये काम यहाँ पर किया जा सकता है जिससे अच्छी स्थिति इनको प्राप्त होंगी। बाकी अगर देखा जाए तो कुंडली में योग अच्छे है, योग ठीक है, योग में खराबी नहीं है, प्रभाव अच्छा है, तो इसलिए मैं तो इतना कहूँगा कि जो योग है ये अच्छे है, इसमें दिक्कत की बात भी नहीं है, इसमें प्रभाव अच्छा आने वाला है। तो बस इतनी ही कोशिश रखिए कि आगे की दशाएं भी, क्योंकि देखो अभी बुध की दशा है, फिर आगे केतु की दशा है, फिर शुक्र की दशा है, तो सारे ग्रह कुंडली में अच्छी स्थिति में है, कारक ग्रह है, प्रभाव अच्छा देने वाले ग्रह है, तो ये जीवन में उन्नति देंगे, अच्छा प्रभाव देंगे और धार्मिक कार्य में जोड़कर रखेंगे, क्योंकि यहाँ उसका प्रभाव बढ़ रहा है गुरु के चलते, तो ये बात अच्छी है, यहाँ पर अच्छा प्रभाव इससे मिलेगा। बाकी प्रिय दर्शकों, अगर आप इनके लिए कुछ बताना चाहें तो आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य इनके लिए जो बताना चाहें बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।